हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम ICSE बोर्ड के 5th क्लास के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। हम 5th क्लास का 7th चैप्टर कर रहे थे, राउंडिंग नंबर्स। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट, करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो। राउंड ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 के हमने राउंड ऑफ नंबर्स मे निकालने बी हैं। स्टूडेंट, जैसे 7.12 में हमने किया, ये फर्स्ट राउंड 0 से लेके 4 तक नंबर, और ये 5 से लेके 9 तक सेकेंड राउंड। ठीक है, तो जो भी हम अंडरलाइन करेंगे उसके नेक्स्ट जो डिजिट सर्कल करेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ पे नियरेस्ट 1000, तो 1000 प्लेस कौन सा है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड वाले को अंडरलाइन करना है, उसके नियरेस्ट जो है उसको सर्कल कर दो। ठीक है, तो ये जो सर्कल वाला नंबर है ये देखना है हमने कौन से राउंड में आता है। अगर तो फर्स्ट राउंड में है तो कोई एडिशन नहीं होगी इसमें, अगर सेकेंड राउंड में है तो यहाँ पे 7 में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 है तो लास्ट में 3 जीरोज़ आएंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 8 है, 8 तो 5 से बड़ा है ना, सेकेंड राउंड में है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो देन ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देंगे। 7 में 1 ऐड किया, कितना आया? 8। नेक्स्ट 3000 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 जीरोज़, 8000 के नियरेस्ट ये नंबर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इसका सेकंड पार्ट बी देखो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये 5 पे 1000 आया, 4 को हमने किया सर्कल। अब ये फर्स्ट डिजिट तो वैसे ही उतारना है। अब 5 में हमने देखना है कि कुछ एडिशन होनी है या नहीं, तो वो किस पे डिपेंड है? ये सर्कल वाले नंबर पे। ये 4 है, 4 फर्स्ट राउंड में है तो कोई एडिशन नहीं होनी, इट मीन्स 5। ठीक है, नेक्स्ट 1000 राउंड है इसलिए 3 जीरोज़। ठीक है, जहाँ जितने भी आगे डिजिट हों वो उतनी जीरोज़। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे नेक्स्ट पार्ट इसके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड को अंडरलाइन, 4 को सर्कल। ये 4 5 से छोटा है ना, फर्स्ट राउंड में आएगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी। 3 का 3, 0 के 0 और आगे 3 जीरोज़। क्लियर? 30000। ऐसे ही नेक्स्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये सर्कल वाला डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, सेकेंड राउंड में आ रहा है इसलिए 5 में 1 प्लस हो जाएगा, 36000 आंसर आएगा। नेक्स्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये सर्कल हो गया, 5 है 5 है तो वहाँ ऐड हो जाएगा अंडरलाइन डिजिट में 1, 9000। ऐसे नेक्स्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो ये सर्कल, अब सर्कल वाला डिजिट 5 से बड़ा है इसलिए क्या होगा, 2 में 1 ऐड करके 3 हो गया, तो 23000। ऐसे स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, पहले जो 1000 का प्लेस है उसे अंडरलाइन कर लेना है, और उसके साथ वाले को सर्कल देखना है। अगर वो 5 से छोटा है तो अंडरलाइन में डिजिट में कुछ एडिशन नहीं होगी, नेक्स्ट जो है वो 3 जीरोज़ आ जाएंगी। अगर 5 से बड़ा हुआ या 5 हुआ देन अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये अब आप करके मैच कर सकते हो सब। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, सेकेंड सम है इसका, व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू, कि कौन कौन से नंबर जो हैं इसके, जो भी आपको नंबर दिया होगा उसके राउंड आते हैं। तो जैसे हमने 7.1, 7.2 में भी सीखा था ना कि 10 के राउंड लास्ट वाली लाइन के 5 और नेक्स्ट लाइन के 4 डिजिट, ऐसे जब 1000 वाली लाइन आएगी तो वहाँ पे लास्ट इसका 19 आएगा ना, 20 से ऊपर। ठीक है, तो 19500 से लेके नेक्स्ट लाइन के 400 तक, ठीक है ना, 400 यानी कि 500 से छोटे नंबर, तो कौन से होंगे? 20499। क्लियर? यानी कि ये 20000 के राउंड कौन कौन से नंबर आएंगे?
19,500 से लेके 20,499 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सभी। नेक्स्ट 32,000 के, अब 32 से पहले कौन होता है 31, तो 31,500 से स्टार्ट करना है, तो कहाँ तक जाएंगे टू 32,499। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट 76,000 जो है वो 75,500 से लेके 76,499 वाले सभी नंबर आएंगे। नेक्स्ट 46,000 जो है 45,500 टू 46,499 तक जितने नंबर्स हैं वो सभी इसमें राउंड होंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।